बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। तेलंगाना भर में सेक्रेटेरिएट की दो मसाजिद को शहीद किए जाने को लेकर मुसलमानों में गम की लहर दौड़ गई है और हर गोशे से मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। आज हैदराबाद में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम ने भी हुकूमत से उसी मकाम पर मसाजिद की दोबारा तामीर सेक्रेटेरिएट की तामीर से पहले करने का मुतालबा किया है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला केसीआर मंगल के रोज़ एक इजलास मुनक्किद करते हुए इस मामले में कोई फैसला ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर सुंदरा राजन ने अवाम को दी बोनाल त्योहार की मुबारकबाद। पुराने शहर हैदराबाद में सादगी के साथ मनाया गया बोनाल त्योहार। तेलंगाना के वजीर आला पीर और मंगल को मुनक्किद करेंगे जायजा इजलास। मंगल के इजलास में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर पर ले सकते हैं फैसला। राजन्ना सिलसिला जिले में डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए तैयार। वजीर बल्दी नज्म व नक्श केटीआर ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करने की आवाम से की अपील। केसीआर को सेक्रेटेरिएट के उसी मुकाम पर करनी होगी मसाजिद की दोबारा तामीर। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम का मुतालबा। हैदराबाद में दो नकली डॉक्टर्स हुए गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से सर्टिफिकेट हासिल करते हुए मेहदीपट्टनम पर चला रहे थे हॉस्पिटल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में आज बोनाल त्यौहार मनाया गया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरा राजन ने आज रियासत की अवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने ट्विटर पर इस सिलसिले में एक पोस्ट करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने सभी को घरों के पास ही एहतियात और खुशियों के साथ बोनाल त्यौहार मनाने की तलखीन की। कोरोना की सूरत हाल की वजह से जारिया साल पुराना शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार बगैर किसी जोश व खरोश के साथ और सादगी के साथ मनाया गया। वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव की जानिब से की गई अपील के मद्देनज़र हर साल बड़ी तादाद में मनादिर को आने वाली लड़कियां और ख़वातीन ने इस मरतबा कोरोना वबा के पेश नज़र अपने घरों में ही रहने को तरजीह दी, जबकि बहुत कम तादाद में ख़वातीन ने मनादिर पहुँच कर पूजा की। दूसरी जानिब महकमे पुलिस की जानिब से भी इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में गुज़िश्ता दो दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। बारिश की वजह से ख़ास तौर पर स्लम इलाके काफ़ी मुतासर हुए हैं। अन्ना नगर में शदीद बारिश से एक मकान सेकेंडों में ही पानी में बह गया। जो मकान बह गया उससे मुतसिल एक बड़ा नाला है जिसमें पानी का काफ़ी तेज़ बहाव देखा गया। किस्मत से इस हादसे के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, अलबत्ता मकान का सारा सामान पानी में बह गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर और मंगल को आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। बताया गया है कि पीर की दोपहर को होने वाले इजलास में वज़ीर आला केसीआर इरीगेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, जबकि मंगल की दोपहर होने वाले इजलास में रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के साथ मशावरत के बाद नए सेक्रेटेरिएट की तामीर पर हतमी फैसला ले सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिज़ाइन पर सरकारी ऐलान काबीना की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट ने तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदिम करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है।
तेलंगाना की हुक्मरा जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारकाराम राव ने रीट्वीट करते हुए कहा कि ज़िला राजाना सिलसिला में डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए तैयार हैं। बता दें कि बरसर इख्तदार जमात टीआरएस ने इसको ट्वीट किया था, जिसे केटीआर ने दोबारा ट्वीट किया। केटीआर ने कहा कि ज़िले के तंगीला जोन में 1320 डबल बेडरूम मकानात का कॉम्प्लेक्स इफ्तिताह के लिए तैयार है। रियासती हुकूमत ने इंतज़ामिया में शफाफियत को बढ़ाने के लिए सरकारी महकमों में इंतहाई मुंतज़िर ई ऑफिस सिस्टम मुतारिफ करवाना शुरू कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 6 महकमों में इस सिस्टम की शुरुआत की, जहां 1600 से ज़ायद मुलाजमीन ने नए पेपरलेस सिस्टम के ज़रिए काम शुरू कर दिया। इस सिस्टम के ज़रिए कोविड-19 के बाद के दौर में भी सरकारी दफातर के रबते के बग़ैर सरकारी कामों की तकमील में आसानी होगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मुफ्त एम्बुलेंस सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद में मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में एम्बुलेंस का इफ्तिताह करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए मजलिस चैरिटी एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से इन एम्बुलेंसेस को मुतारिफ करवाया गया है, जो 24 घंटे हैदराबाद में मरीजों की खिदमत के लिए दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने किसी भी मेडिकल एमरजेंसी में इन एम्बुलेंस से इस्तेफादा हासिल करने की हैदराबाद की आवाम से अपील की। 2 एम्बुलेंसेस का इंतजाम किया गया है, जो इंशाल्लाह ताला 2 महीने तक शहर हैदराबाद में उन तमाम पेशेंट्स को जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है बिला मुआवजा उनके घर तक पहुंचेंगे और उनके जो अस्पताल है वहां तक पहुंचा देंगे। और इस ये 24 घंटे ये एम्बुलेंस काम करेगी और इस सिलसिले में जो मंजिल को इसमें ख़र्चा आ रहा है करीब एम्बुलेंस के 6,40,000 और 1,60,000 इसमें इसका पीपी किट्स और मास्क ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकरीबन 8 लाख रुपये का अखराजात इन 2 एम्बुलेंसेस के लिए आ रहा है 2 महीने के लिए। और ये पूरे 2 महीने के लिए इंशाल्लाह ताला इसका नंबर भी दिया जाएगा, अलीम साहब इसकी ज़िम्मेदार रहेंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस एम्बुलेंस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करिए और फ़ोन करिए और आप जिस अस्पताल को जाना चाहते हैं वहाँ तक ये एम्बुलेंस आपको ले जाकर उस अस्पताल में पहुँचाएगी। और साथ ही साथ ये बात ज़रूरी मैं बताना समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से पिछले महीने 19,60,000 के सैनिटाइजर्स मुख्तलिफ मजहबी मुकामात इबादत गाहों को दिए गए। उससे पहले अप्रैल के महीने में 15 लाख की लागत के 2,818 आशा वर्कर्स में शहर हैदराबाद के और आंगनवाड़ी वर्कर्स में पीपीई किट और सैनिटाइजर्स दिए गए हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए इन एम्बुलेंसेस से। हमारा मकसद एक ही है कि आवाम की जान को बचाया जाए और आपको सही वक्त पर आप अस्पताल को पहुंच सके, यही ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से बुज़ुर्ग अफराद की कोरोना से अमवात की रोकथाम के लिए BCG के टीके के असरात का तजुर्बा करने के लिए एक सर्वे करने का मंसूबा बनाया गया है। ये सर्वे मुल्क में कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स इलाकों में रहने वाले 60 साल से 95 साल की उम्र तक के अफराद पर किया जाएगा। ये सर्वे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत 6 रियासतों में किया जाएगा। इस सर्वे में ये तजुर्बा किया जाएगा कि आया BCG का टीका बुज़ुर्ग अफराद में कोरोना वायरस से मुतासिर होने और फैलने से रोकने में कारगर हो सकता है। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद को शहीद करने और TRS हुकूमत के इख्तियार करदा मुबहम मौक़ूफ का सख्त नोट लेते हुए कहा कि मुसलमान किसी सूरत मसाजिद की उनकी मौजूदा मुकाम पर आजिलाना तामीर से कम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर मौलाना सादिक़ मुहीउद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी मज़ाहिरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना अब्दुल रहीम खुर्रम जामई, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रुशादुद्दीन और मौलाना मुफरी तजम्मुल हुसैन खासमी ने आज
हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपना मौकूफ वाजे करे और शहीद मसाजिद की उनके अपने मुकाम पर तामीर का ऐलान करे। साथ ही सेक्रेटेरिएट इमारत की तामीर से पहले मसाजिद की तामीरात को यकीनी बनाएं। उलमा इकराम ने यह भी ऐलान किया कि वो मसाजिद की तामीर तक चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का गम ही बहुत बड़ा गम था, जिसमें मुसलमान सहते रहे, लेकिन बहरहाल ये वो हमारे पास के कानून के बड़े इदारे हैं, उनसे तवक्को थी कि वो इंसाफ को पेश नज़र रखेंगे, लेकिन शुमी किस्मत वहाँ से मबनी बर इंसाफ फैसला भी साजिद नहीं हो सका। शवाहद और सबूत की बुनियाद पर फैसला देने के बजाय आस्था की बुनियाद पर फैसला दे दिया गया। यह ऐसा जख्म है, गहरा जख्म है, जिसके शायद मुंतबिल होने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसे में हम सबकी ख्वाहिश यही है कि यहाँ जो मस्जिद मुनजिम कर दी गई है, शहीद कर दी गई है, उनको दोबारा सरना उसी जगह पर तामीर किया जाए। और अगर हुकूमत के ख़जाने में बजट नहीं है और वो कहीं तामीर कर सकती है तो मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। इंशाल्लाह मुसलमान अपने खून पसीने की कमाई से, जायज़ हलाल पैसे से वहाँ इंशाल्लाह मस्जिद दोनों मसाजिद तामीर करेंगे। इसके लिए इंशाल्लाह हम झोली पसारेंगे आवाम के सामने, उनसे भीख मांगेंगे, फिर अल्लाह के घर के वास्ते हमारा भीख मांगना भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के पास बहुत पसंदीदा होगा। मुस्लिम कौम जो है आज भी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह साहब बखैर बहुत हैं, और वो इशार और जज्बा कुरबानी का जज्बा रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का भी जज्बा रखते हैं। इंशाल्लाह उनका आमदा करेंगे तो वह मस्जिद वहाँ पर तामीर, दोनों मसाजिद तामीर कर देंगे इंशाल्लाह। उनसे अखबार में नहीं मालूम, लेकिन किसी उलमा से इस बारे में ना मशवरा किया गया और ना किसी के इल्म में बात लाई गई, और अगर इल्म में आता तो हम हरगिज ये गिराने दें। सवाल ही पैदा नहीं होता, जो ज़मीन अल्लाह के घर की है वो हमेशा अल्लाह के घर की रहेगी। देखिए जहाँ मसाजिद थे वहाँ मसाजिद हम फिर तैयार करेंगे, तो ये तय है कि हम भी उनके साथ। अगर ये मसाजिद का वो जिक्र नहीं करते हैं तो फिर हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है उनसे मुलाकात। जब तक कि वो मस्जिद का हमारे जगह पे उन्होंने नई तामीर करने का वादा करेंगे, हम उनसे मुलाकात हरगिज़ नहीं करेंगे। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।